और मैं इस पार्ट का सबसे मेन डायरेक्टर ये नहीं यार, हमारा अनपढ़ वाला है। हाउ टू डू। तो फाइनली हम तैयार हो गए हैं, अब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने का टाइम नहीं है अभी, लेकिन हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं, 9 बज चुके हैं। तो 9 बज गए तो हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। निकलने के बाद में हम अब बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से बस पकड़ना है। उसके बाद में फिर भीमबेटका जाना, भीमबेटका के बाद में फिर भोजपुर का भी प्लानिंग कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना। फाइनली हम आईएसबीटी बस स्टैंड पे पहुंच गए हैं, जहाँ पर हमको ये शिवम भाव मिला है, वही सब फ्रेंड मिला है। अंकित के साथ हम अभी कहाँ जाने वाले हैं? अपन बैतूल वाली रोड पे जाएंगे, भीमबेटका जाने वाले हैं। भीमबेटका जा रहे हैं हम, और ये निहाल भी है। अपन कितने लोगों का टोटल? 6 3 6 लोग हैं। 6 लोग हम सब जा रहे साथ में। अब तो फिर मिलेंगे, अभी जाना चालू करते हैं। बस में बैठेंगे फिर जाएंगे, किराया अपना अंकित भाई लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पैसे कमा लिए बंदे ने, बहुत ज़्यादा कमा लिए। मैंने टेंशन मत लो, कभी आओगे तो मिलना मेरे से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। स्माइल तो करवाया, स्माइल प्लीज। अरे मैं तो भाई देखो, ये प्लीज भूख लगी भाई लोग को, तो खाने लोग अभी अब हमने मैजिक ले लिया अब्दुल्लागंज से। हाँ। और अब हम यहाँ से भीमबेटका जाएंगे। यहाँ अपन कहाँ उतरे? यहाँ पे अपन बस से अब्दुल्लागंज को उतरे, है ना? फिर यहाँ से अपन मैजिक ले रहे हैं। तो अपन मैजिक वाले भैया का नंबर डाल देंगे इसमें, है ना? तो उनसे कॉन्टेक्ट करके वो भेज आएंगे अपन, जो भी आएंगे अब यहाँ पर अपने दोस्त वगैरह। और अभी हमारा प्लान जब भोजपुर का भी जम रहा है हमारा प्लान। हाँ, देखो आगे क्या होता है, हमारी टीम क्या बोलती है। चौकी करने का प्लान बहुत अच्छी तरीके से जम रहा है, भोजपुर जाने का देवेंद्र भाई है, प्लान बहुत अच्छे तरीके से जम रहा है। और हमारे आदरणीय निहाल पवार जी, पवार जी ये सोच रहे कि नहीं भोजपुर बहुत अच्छा प्लेस है, उन्होंने बताया है। यूट्यूब पर जाकर देखा, अभी तक गए तो है नहीं, लेकिन देखा उन्होंने यूट्यूब पर जाकर, बड़ा एक्साइटेड प्लेस है। तो सोच रहे कि जाया जाए। बाकी आनंद जी का बहुत अच्छा विचार चल रहा है सामने बैठे हुए। ये आनंद दादा है, आनंद दादा। तो मैजिक वाले ने हमको ये हाईवे पे उतारा है। अब यहाँ से अंदर हमको 3 किलोमीटर, ये रास्ते से 3 किलोमीटर अंदर अपने को जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वहाँ के लिए कोई साधन नहीं है। और अगर आपको कुछ खाना पीना हो या कुछ भी करना हो तो यहीं पर ढाबा है, समोसे बड़े की वो रेस्टोरेंट भी है, तो यहीं से आप नाश्ता पानी करके आप जा सकते हो अंदर। उनका कहना है कि अंदर हमको कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, तो यहीं से हमको सीधे अंदर जाना पड़ेगा। तो हमने नाश्ता पानी कर लिया है और अब जाना है, तो चलते। जिंदगी चाह रहा हूँ मैं, आप ये कर ले मुझे से दोस्ती। तुप 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 बिल्कुल तुप। यहाँ पर ओली ना पत्थर ही पत्थर ज्यादा दिख रहे हैं, चट्टाने ज्यादा है, और निहाल के साथ घूमने का अच्छा जगह है। हाँ, और ये निहाल के तरफ से तारी ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो फाइनली 3 किलोमीटर की अखंड मेहनत करने के बाद पैदल पैदल आके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये क्या रख लिखा है, भीमबेटका का प्राकृतिक सैलासरा जिला रायसेन। यहाँ पहुँच गए हैं भाई लोग, भी अपने थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये दो लोग आ रहे थे लोग। हाँ भाई, भाई मारो मुझे। ये यहाँ पे है गाड़ी पार्किंग, तो यहाँ पर होती है गाड़ी पार्किंग। हाँ, मेरे पास तो गाड़ी चाहिए, तो मैं पार्क किसको करूँगा, दबाना पड़ेगा। ये दिख रही है घाटी ऊपर एक नंबर, ये कारे पार्क। अब यहाँ सामने से हमको सीधे सीधे जाना है, तब चलते हैं। चले क्या ऊपर, चले क्या मुँह धुलना है? वो है ना पेयजल का, वहाँ पे चलो मुँह धुल लेते हैं। सो फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं, हमने हाथ मुँह धो लिया। यहाँ भी देखते हैं जो भी है मानचित्र होगा। अरे ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये पढ़ते आता है मेरे को। पढ़ 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 भाई, तू उसी जमाने का हमको पता है। यहाँ भी देख लेते हैं, ये कोल वगैरह द्वारा लिया है ना, सुरक्षात्मक संरक्षण।
वाह यार गजब चट्टाने पे। यहाँ पे आदिमानव कैसे रहे होंगे? निहाल तू यहाँ कैसे रहा होंगे रेस्ट टाइम? यार भाई ये पहाड़ी, ये अभी अंदर भी देखेंगे क्या क्या है। ये आदिमानव उस टाइम के, ये है इस टाइप से ये लोग रहते थे। ये ऊपर बना है, ये ऐसी आकृति बनाते थे। ये देखो, अगर हमें अगर किसी को संकेत देना होता, पहले बात करने का कम्युनिकेशन तो था नहीं कि हम कोई भाषा बोलते थे, तो उस टाइम इस प्रकार की आकृति बनाया करते जिससे सब एक दूसरे समझ जाते थे कि हमें युद्ध की तैयारी करने जाना है, शिकार पे जाना है, या कोई संकेत जो भी देना है हम इसके माध्यम से दिया करते थे। तो ये है भीमबेट का, और हम आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, अच्छा ये इसके बारे में लिखा है, ये है ना कार्य। अब मेरे को इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियर। तो ये सभी चीज़ें भीमबेटका की बाकी बहुत अच्छी जगह हैं, मतलब ये विश्व धरोहर में इसका नाम है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वाओ, ये है पहाड़ी पहाड़ी। अब आपकी आपको आगे की जानकारी हमारे निहाल जी देंगे। देखो निहाल भाई, बताओ यहाँ पे क्या हुआ था एक समय, बताओ भाई। हाँ क्या बताएंगे, सभाग्रह यहाँ पे सभा होती रही होंगी इसलिए सभाग्रह है। सलासर का मांग है ना, वी एस वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसी के बारे में लोगों को बताया गया था। यहाँ पे होती थी सभा, सभी आदिमानव लोग, मतलब हम लोग जो आदिमानव थे पहले, हम लोग यहाँ सभा किया करते थे। पे सभा हुआ करती थी और सभा का जो मेन लीडर हुआ करता था ना, वो अपना निहाल भाई हुआ करता था और हम लोग उसकी प्रजा रहती थी, लोग सुनते थे यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। इतने सारे संकेत बताओ कितने आगे आ गए। सारे हैं ये अलग अलग संकेत, मीटिंग भी यहीं पे कर लो, संकेत दे दो हमको, कल हमला करने जाना है, शिकार करने जाना है, कल शादी में जाना है, ये वो था क्या है ना। चश्मा निकाल के दे। बड़ा मजा आ रहा है घूमने का यहाँ पे। अरे पहाड़ी पहाड़ी घूम रहे हैं, है ना, पूरे संकेत देखे, उनके टूल्स भी देखे, और स्टेच्यू तो दिखाई दिया हमने सभी चीज़ें, और हम आगे एक और दिखाते चले जाते हैं। ये चीवम, अरे श्याम भाई किस देर फोटो से, कौन है तुम्हें जानते ही नहीं। ये है व्यू पॉइंट, अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, यहाँ से हम व्यू देखेंगे, पूरा नज़ारा देखेंगे। बाप रे, अरे ये तो अपने आप टेकड़े से भी दिख जाता है। अपने गांव में भी दिख जाता है ऐसा, तो भाई यहाँ से दिख जाए। एक समय की बात है जब निहाल आदिमानव था ना, तो यही पे बसा करता था। रुको रुको, अरे भाई तू यही रुकना। बस दोस्तों यहाँ तक सफर तय हुआ हमारा, इतनी खुश कर दी यहाँ दोस्तों, बहुत धन्यवाद। तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि तुम्हारा लिख बैठूंगी।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। यहाँ चलते हैं फटफट, क्यों चलते हैं फटफट नहीं, यहाँ से और दूसरा रास्ता निकल जाएगा। ये हमारा देवेन कैमरा मैन है छोटा वाला, और मैं इस पार्ट का सबसे मेन डायरेक्टर। यानी यार हमारा अनपढ़ वाला है, हाउ टू डू करता है ये। इस प्रकार से सांप सर्पिला कार था यहाँ पे चिपका हुआ, हमने अभी भी निकाला, उसको दूर किया है। तो गाइस अब हम सब रिटर्न हो रही हुई, अब हम रिटर्न जाएंगे भोपाल, भोपाल से अपने अपने घर जाएंगे। तो बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बहुत मजा आया, बहुत मनोरंजन किया, बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हम कभी आइएगा और अच्छे से घूमिएगा और हमें जरूर बताइएगा। इसको बता देना, ये मैं इसको बता देना कैसे भी, ठीक है।